बिहार के अंदर जो भारत जो यात्रा की शुरुआत की गई वो बांका जैसे तारीखी सरजमी इनकलाबी सरजमी बांका से इसकी शुरुआत की गई वो अपने आप में बांका के तमाम बांका वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। और जिस तरीके से अलग अलग जगहों अलग अलग पंचायत में जा कर के हम लोग इस यात्रा के बारे में लोगों से अपील कर रहे हैं तो इस बात की ये गवाही दे रही है कि ये तारीखी सरजमी निश्चित तौर पे जब कांग्रेस पार्टी का ये फैसला राहुल गांधी जी का फैसला आदरणीय हमारे सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का ये फैसला कि बांका की सरजमी से है तो निश्चित तौर पे बांका की आवाम का प्यार और स्नेह 5 तारीख को देखने को मिलेगा। रही बात भारत जोड़ो यात्रा तो जिस तरीके से पूरे देश और पूरे दुनिया में आज इस यात्रा की चर्चा हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जब हम महंगाई की बात करते हैं जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुद्दों को भटका करके भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मुद्दे को बदलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जाति धर्म मजहब के नाम पर इस देश को नफरत में बांटना चाहते हैं। लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी चूँकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा कि इस देश के अंदर जब अंग्रेज़ों ने शासन किया तो उस गुलामी के जंजीर से निकालने का काम कांग्रेस पार्टी के योद्धाओं ने किया था। ये हमारी जिम्मेवारी है कि जब जब देश के अंदर इस तरह की ज़रूरतें पड़ी है कांग्रेस पार्टी के तमाम सिपाहियों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। आज इस देश के अंदर से महंगाई को ख़त्म करने के लिए भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए और नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से कमर कस के तैयार है। और जहां एक तरफ कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है वहीं 5 तारीख को हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में ये यात्रा बांका से शुरू होगी और निश्चित तौर पर पूरे देश और दुनिया में ये बांका से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा की भी चर्चा होगी।